बच्चों, आज हम इस वीडियो में रेशियो कैसे निकाले ये सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको रेशियो निकालना बताया कि टू नंबर्स का रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन को जब भी देखें ठीक से पढ़े क्वेश्चन को पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो होता क्या है पहले इसे समझ लें। आपके पास अगर एक पेंसिल है और किसी बच्चे के पास दो पेंसिल है तो उसका रेशियो हो गया 1:2। इसी तरह कोई भी नंबर, दो नंबर का रेशियो आपको निकालने के लिए अगर दिया हुआ है, मान लीजिए देता है फाइंड द रेशियो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर 1:62:48। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 62:48। अब आप 62:48 का रेशियो कैसे निकालना है आपको मैं यहाँ बताती हूँ। सिंपल, जब आपको दो नंबर का रेशियो निकालने बोल रहा है तो तब क्या करेंगे, 60/48 इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और इसे जो टेबल से ये कटेगा उसे काट देंगे। तो कौन से टेबल से ये कटेगा, ये 12 के टेबल से कटेगा। 12 5 60 एंड 12 4 48 इज इक्वल टू 5/4, ये नंबर मुझे मिल गया। लेकिन रेशियो में इसी को 5/4 को कैसे हम लिखते हैं, 5:4। यहाँ पे 5 की वैल्यू 60 हो गई और 4 की वैल्यू क्या हो गई, 4 की वैल्यू 48 हो गई। तो ये 5/4 यानी कि इसकी वैल्यू ये हो गई, ये हो गया आपका रेशियो, 60/48 कन्वर्ट हो गया किसमें, 5:4 में कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह आपको जब भी कोई भी नंबर मिलेगा तो आपको उसका रेशियो निकालना है। आपको अलग अलग मीटर के मिलेंगे, सेंटीमीटर के मिलेंगे, मंथ्स के मिलेंगे, तो अलग अलग आपको निकालना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये मीटर और सेंटीमीटर का है। ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 80 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, हम इसका रेशियो निकालना सीखते हैं। मेरे पास क्या दो नंबर हैं, 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगी, हमें पता है कि हम इसको बाई कर देते हैं, आप सिंपल इसको बाई कर देंगे 2/80। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 जो है वो मीटर में है और नंबर 80 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें इसकी वैल्यू बराबर करनी होगी, तभी ये जा करके बराबर होगा तो कटेगा, तभी हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे रेशियो में। नहीं तो ये तो अलग अलग नंबर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें पता है 2 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए जब, तो यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब 2 मीटर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो मुझे दो नंबर क्या मिल गए, 200 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, ये नंबर मुझे मिल गए। अब हम इस नंबर को बाई करके काट लेंगे, 200/80 ये हो गया, 200/80। अब 0 0 काट दीजिए, 0 0 कट गया, 4 2 8 एंड 4 5 20। अब मुझे क्या मिल गया, 5/2, ये और कटेगा नहीं, 5/2, तो मुझे 5/2 मिल गया। अब इसको रेशियो में कैसे लिखना है, 5:2, इसको इस तरह से लिखेंगे, 5:2, ये हो गया आंसर। तो जब भी
दो नंबर मिलता है तो आप उसको देखिए कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, लीटर में है, किलो लीटर में है, मंथ्स है, ईयर है, क्या है। ये अगले वीडियो में मैं आपको और भी अलग अलग तरह के रेशियो निकालना बताऊंगी। इस रेशियो में आपने सब सीखा कि दो नंबर का रेशियो कैसे निकालते हैं, मीटर और सेंटीमीटर का। जब भी कोई नंबर दिया रहेगा तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद रेशियो निकालेंगे। इसको याद रखिएगा कि हमेशा मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 120 सेंटीमीटर दिया होता तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो आपका हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन 20 सेंटीमीटर जो बच जाएगा उसमें से उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर एट लास्ट तो आपको सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा उसका वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस मीटर को ही हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन सेंटीमीटर पूरा मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये अगले वीडियो में मैं आपको इसको क्लियर करके बताऊंगी कि ये कैसे मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो निकालते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप देखिए, बार बार देखिए, समझिए इसे, आपको रेशियो आराम से आप निकाल पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।